नमस्कार दोस्तों, एसीएफ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करेंगे रामसर कन्वेंशन पर। और रामसर कन्वेंशन आपके एनवायरनमेंट साइंस का जो पेपर है उसके 9th यूनिट में, और इसके साथ साथ करंट अफेयर में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि हम इसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन क्लासेस जयपुर के त्रिवेणी नगर पुलिया के पास में शुरू हुई है, जहाँ पर हम जियोलॉजी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर जियोलॉजी आप फैजल सर से पढ़ सकते हैं, जिनका यूट्यूब चैनल भी है जियो खान के नाम से। और एनवायरनमेंट साइंस भी क्लासेस चल चुकी है, और इनके साथ साथ हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवा रहे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस है ही, साथ ही ऑनलाइन का भी फायदा आप ले सकते हैं। तो ऑनलाइन में भी कई सारी टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होने वाली है और कई सारी हो चुकी है। तो आप इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके और फटाफट से इन पूरी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लासेस को। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो आर्द्र भूमियाँ और आर्द्र भूमियों से रिलेटेड सारी जानकारी पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर आर्द्र भूमियाँ होती क्या है। देखो, आर्द्र भूमियाँ एक ऐसा परितंत्र होती है जो स्थल और जल दोनों के बीच में पाया जाता है। और जब स्थल और जल दोनों के बीच में होता है तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से सारे जीव जंतु जो होते हैं वो जल के भी और स्थल के भी वो इस आर्द्र भूमियों में आकर निवास करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है, एक ऐसी इस तरीके की व्यवस्था बन जाती है कि यहाँ की खाद्य श्रृंखला बहुत ही सॉलिड हो जाती है और बहुत ही अच्छा खासा एक एनवायरनमेंट सा डेवलप हो जाता है। तो इस कारण इसको बायोलॉजिकल फूड मार्केट तो कहते ही हैं। साथ ही साथ जो नदियां जाती है उन नदियों के जरिए, जो नदियों में गाद वगैरह या कोई भी किसी भी प्रकार के मान लो कोई भी रासायनिक मटेरियल वगैरह होगा तो वो इन आर्द्र भूमियों से छनकर और झीलों में पहुंचता है, यानी कि जलीय भाग में पहुंचता है। तो इस कारण इनको पृथ्वी की किडनी या पृथ्वी के वृक भी कहा जाता है। तो आर्द्र भूमियां एक बहुत ही अच्छे परितंत्र का निर्माण करती है, लेकिन मानव के हस्तक्षेप के कारण इनको कंटिन्यूअसली नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आने वाले जीव जंतुओं, जैसे आपने केवला देव का नाम सुना होगा, तो केवला देव में क्या है, केवला देव में इसी तरीके की स्थितियां हो गई है कि केवला देव में अब कंटिन्यूअसली जो साइबेरियन सारस है वो अब ना आकर और दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करना शुरू कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो आर्द्र भूमियों का हम खत्म कर रहे हैं उनको। तो इनके संरक्षण के लिए ही, दो फरवरी 1971 में केस्पियन सागर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको केस्पियन सागर दिख रहा होगा, और इसके पास में ये है ईरान का रामसर शहर, ये ईरान है। तो ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेके। ये ऐसा सम्मेलन अभी तक किसी परितंत्र को लेके एकमात्र सम्मेलन है, ठीक है। और इसमें एक संधि हुई जो संधि 1975 में लागू हुई, और उसके बाद में भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। हालांकि रामसर का सेक्रेटरीट जो है वो IUCN का जो ऑफिस है आपके, उस IUCN के ऑफिस में है पेरिस में, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 6 संस्थाएं काम करती हैं। उन 6 संस्थाओं के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वर्तमान में अगर इसकी कोई पार्टीज है तो वो है 171, यानी कि 171 राष्ट्र इसको मतलब मान्यता दे रखे हैं इस संधि को। तो अब ये रामसर कन्वेंशन क्या करता है, रामसर जो ये 6 संस्थाएं मिलकर बैठक करती है हर तीसरे साल में, और तीसरे साल में कुछ क्राइटेरियाज के आधार पर वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा देती है। पहले क्या होता है कि जनरली वेटलैंड होती है, फिर उस वेटलैंड को उस देश की सरकार इम्पोर्टेंट वेटलैंड साइट के रूप में चिन्हित करती है, और फिर उन इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स को ही रामसर साइट में दर्जा दिया जाता है। तो पहली जो आप इसमें दो तरीके से दिया जाता है, ग्रुप ए में यह है कि ग्रुप ए में होगा कि आपको रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप हो, यानी कि एक ऐसा टाइप हो जो अब तक पूरी पृथ्वी पर नहीं हो, इस तरीके का हो कि उसका अपना एक वजूद है और अपनी एक विशेषताएं हैं जो दूसरे वेटलैंड्स में नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन दूसरा जो टाइप होता है वो दूसरा टाइप होता है कि कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के आधार पर, जिसमें क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, यानी कि अगर वो कोई वल्नरेबल या एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को संरक्षण प्रदान कर रही हो तो फिर उसको वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा देंगे, या फिर एक ऐसी पॉपुलेशन को जो वहां पर एक बड़ा बायोडाइवर्सिटी या बायोग्राफिक रीजन डेवलप कर रही हो तो, और कई सारी जीव जंतुओं की वहां पर पॉपुलेशन हो तो उसको भी वेटलैंड का दर्जा
दे दिया जाता है, और या फिर एक ऐसी एनिमल या किसी को ऐसा सपोर्ट कर रही हो ऐसे एनिमल को जिसकी लाइफ साइकिल केवल और केवल उस वेटलैंड पर ही डिपेंड करती हो। तो इस तरीके से ऐसे 9 है टोटल क्राइटेरियाज, जिसमें हमने 1, 2, 3, 4 क्राइटेरिया देख लिया, फिर 5, 6, 7, 8वां क्राइटेरिया जो है वो 5 और 6ठा क्राइटेरिया है वाटर बर्ड्स पर डिपेंड, यानी कि अगर 2000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स अगर उस वाटर बॉडी में पाए जाते हैं या वहां पर उनको संरक्षण मिलता है तो फिर इस वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है, और या फिर 1% जो इंडिविजुअल्स होते हैं जनरली 1% उनकी 1% पॉपुलेशन उनकी जो उस वाटर बॉडी पर डिपेंड करती हो प्रॉपरली, तो वो भी हो सकता है। फिशेज की से रिलेटेड भी है कि फिशेज का भी जैसे फिशेज को प्रॉपर वहां पर उनकी फैमिली जो उनकी सब फैमिली जो उनकी स्पीसीज हो और वो भी स्वदेशी हो, तो ऐसे भी वेटलैंड हो सकता है। और इसी के साथ साथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन टैक्सा, मतलब कि वहां की जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के बेसिस पर भी एनिमल स्पीसीज या जीव जंतु पेड़ पौधों पर बेसिस भी ये क्राइटेरिया होता है। तो यानी कि ओवरऑल 9 क्राइटेरिया है वेटलैंड को दर्जा देने का। अब तक 2,388 वेटलैंड को दर्जा दिया जा चुका है रामसर साइट का, और विश्व में पहली अगर कोई रामसर साइट को दर्जा दिया गया था तो वो 1974 में कोबर्ग पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया में तो उसको दिया गया था। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट है गिरी तुम्बा मिंडोब नाम से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साथ ही क्वीन मड गल्फ नाम से कनाडा की है, ये दोनों ही दोनों 60,000 हेक्टेयर को कवर करती है, तो इस वजह से ये विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में विश्व की सबसे ज्यादा रामसर साइट है, और मैक्सिको में 142 रामसर साइट है, यानी कि 175 और 142 यूनाइटेड किंगडम, यूके और मैक्सिको। अगर हम जो हम बात कर रहे थे अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की गिरी तुम्बा मेनिंडोब की, तो आप ये देख सकते हो ये पड़ती है अपने, ये आप कॉन्गो को देख रहे होंगे और यहाँ पर बहती है कॉन्गो रिवर जिसको हम जायरे रिवर भी कहते हैं। तो इस कॉन्गो या जायरे रिवर वाला ये जो क्षेत्र है पेटे का जो ये वाला कॉन्गो में पड़ता है ये है विश्व की सबसे बड़ी। साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट देख रहे होंगे तो ये है आपकी जो कनाडा की हम देख रहे थे क्वीन मड गल्फ, तो ये वाली गल्फ यहाँ पर सबसे बड़ी रामसर साइट है। ठीक है, अब ये पार्टीज क्या करती है, पार्टीज हर तीसरे साल मिलती है। 2015 में COP 12 हुआ रामसर साइट से रिलेटेड, और फिर COP 13 हुआ जो यूएई में हुआ था 2018 अक्टूबर में, अब जो 2020 में होगा। ये 6 संस्थाएं इसमें कार्य कर रही है, कोई रामसर नाम से कोई ऐसी कोई संस्था नहीं बनी हुई है। WWF, IUCN, WWT यानी कि वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, और IWMI यानी कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। एसीएफ क्लासेस का तो लोगो है, एसीएफ क्लासेस इसमें वो संस्था नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट है ना, तो ये ध्यान रखना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स भी कहा जाता है वेटलैंड से रिलेटेड। अब इसी में ही अगर मानव ऐसी भूमियां ऐसी आर्द्र भूमियां जो रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है उनमें मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो चुका है तो उनसे ये रामसर साइट का दर्जा हटाया जा सकता है, इसलिए उनको पहले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। अब तक विश्व की 48 साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, इसमें भारत की 2 साइट्स हैं, एक तो आपने नाम सुना होगा लोकटक झील का, लोकटक झील पड़ती है अपने मणिपुर में, ये विश्व का 13ता हुआ अभयारण्य भी है एकमात्र, तो ये भी काफी शानदार साइट है, काइबुल लामजाओ अभयारण्य जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ संगाई हिरण पाई जाती है तो वो वाली चीज है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1990 में इसमें शामिल हुआ था, और लोकटक की बात हम कर ही लिए 1993 में, ये पहला हमारा मतलब वेटलैंड था रामसर साइट थी जिसे यहाँ पर एक तरह से इसमें शामिल किया गया था। चिल्का झील को 1993 में शामिल किया था लेकिन यहाँ पर स्थितियों को सुधार लिया गया, इसे 2002 में इसे वापस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब आता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या रामसर साइट में हमारे यहाँ पर कितनी साइट्स हैं ओवरऑल, तो हमारे यहाँ पर 37 है, 27 पहले थी और 10 अभी और शामिल हो गई है फरवरी मंथ में 1 फरवरी को, तो इस वजह से उसको ध्यान रखना है। अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो लेटेस्ट में सबसे ज्यादा आपको मिलेगी यूपी में, मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है तो यूपी में है, पहला
पहले यहाँ पर एक अपर गंगा नाम से ही हुआ करती थी, अब यहाँ पर 6 और जुड़ गई है, तो यानी कि टोटल 7 रामसर साइट भारत में यूपी में है। सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करें तो सुंदरबन है, जो 2019 में शामिल हुई थी, और इसके बाद में यूपी के बाद में आप देखोगे तो पंजाब में है, क्योंकि 3 तो पहले से थे यहाँ पर, रोपड़, हरिके और कांजी, लेकिन उसके बाद में 3 और जुड़ गई है, तो यानी कि 6 हो गई है। जम्मू कश्मीर में ऐसे देखे जाए तो 4 है, लेकिन अभी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, इसलिए 2 तो चली गई लद्दाख में और 2 चली गई जम्मू कश्मीर में, तो इस कारण तीसरे नंबर पर आता है आपके केरल। तो केरल में 3 रामसर साइट है और बाकी राजस्थान में 2 रामसर साइट हम देख ही रहे हैं, और फिर बाकी आप भोज वेटलैंड, नल सरोवर वगैरह, ये तो इनकी एक एक की लोकेशन आपको मैप के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में 10 नई रामसर साइट्स कौन कौन सी है, तो देखो आप अगर इस मैप में देखोगे तो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, इनमें एक भी रामसर साइट नहीं है। अगर देखें तो असम या मेघालय में भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो महाराष्ट्र में पहली रामसर साइट का दर्जा दिया गया था नंदूर मधुमेश्वर को अभी लेटेस्ट, तो ये महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट हो गई। इसके बाद में केशवपुर मियानी, व्यास और नांगल पंजाब की हो गई, नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन और समसपुर, संधि और सरसाई नवर नाम से 6 रामसर साइट्स यूपी की इसमें हो गई है। फिर इन रामसर साइट्स की अवेयरनेस फैलाने के लिए और जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए 2 फरवरी को, जो 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसी की याद में 1997 से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाना शुरू किया है, जिसकी इस बार की जो थीम थी 2020 की, वो थी वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। तो ये हमारी ओवरऑल जानकारी हुई। अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद में फिर हम इसका डिस्कशन कर लेंगे, तो एक बार इसको पॉज करें, पॉज करने के बाद में इसका जवाब दें, जो भी जवाब हो आप एनालाइज करें, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखें। तो धन्यवाद सभी को, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन हमारी क्लासेस त्रिवेणी नगर, और ऑनलाइन का हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, बाकी आप इन नंबरों पर कॉल करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। तो एसीएफ क्लासेस हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रही है, इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट और जियोलॉजी की क्लासेस तो चल ही रही है, और जनरल नॉलेज की, इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही है। तो धन्यवाद सभी को क्लास अटेंड करने के लिए, देखने के लिए, पसंद आती है तो लाइक करें, धन्यवाद।